फर्रुखाबाद से दिल्ली रोड पर बेखौफ दौड़ रही डबल डेकर बसों में अकेले महिलाओं के लिए यात्रा करना बिल्कुल सुरक्षित नहीं रहा। घटना एटा जिले के अलीगंज थाना क्षेत्र की है, जहां नोएडा से नौकरी कर घर फर्रुखाबाद वापस लौट रही एक 22 वर्षीय युवती को अकेला पाकर बस के परिचालक ने छेड़छाड़ कर दी। पीड़ित युवती के पिता ने अलीगंज कोतवाली में परिचालक के विरुद्ध लिखित तहरीर देकर शिकायत दर्ज करवाई। पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया है कि पुत्री सुबह नोएडा से फर्रुखाबाद के लिए श्री कृष्णा युवराज ट्रेवल्स की UP 76 GT 1058 बस पर सवार होकर यात्रा कर रही थी। बस में चालक के अलावा परिचालक भी सवार थे। जैसे ही बस अलीगंज के कैल्ठा चौराहे पर पहुंची, बस में सवार परिचालक ने अज्ञात से छेड़छाड़ कर दी। पीड़िता ने घटना की सूचना अपने परिजनों को दी और सूचना पुलिस को दी गई। जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती, तब तक फर्रुखाबाद जनपद के घटिया घाट निवासी परिचालक मौके से फरार हो चुके थे। पुलिस ने युवराज ट्रेवल्स की बस को हिरासत में लेकर पीड़िता के साथ घटित हुई घटना की सूचना पर परिजन अलीगंज कोतवाली पहुंचे और घटना की लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। युवती के साथ घटित हुई घटना से तो इतना साफ हो ही गया है कि दिल्ली से फर्रुखाबाद के लिए सैकड़ों की संख्या में दौड़ रही ट्रेवल्स बसों में महिलाओं के लिए यात्रा करना बिल्कुल सुरक्षित नहीं रहा। मेरे को फोन किया, मैं तुरंत जो आया तो उसके बाद मैं अलीगंज थाने में हमने तहरीर की है और बस को पुलिस वाले लेकर आए हैं, जिसका नंबर है UP 78 GT 1058 युवराज ट्रेवलर्स करके है। थाना अलीगंज में शिकायत कर दी आपने? जी हाँ, मैंने कर दी शिकायत, लिखित प्रार्थना पत्र दे दिया है। पुलिस ने क्या कहा है? पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। क्या बेटी के साथ छेड़खानी जैसी घटना को अंजाम दिया गया? जी हाँ, छेड़खानी जैसी घटना को अंजाम दिया गया है। बेटी बहुत दर्दी सहमी है। आपको किस तरीके से सूचना हुई? हमको बेटी ने फोन करके बताया। इस मामले पर पुलिस ने घटना को संज्ञान में लेकर मामला दर्ज कर लिया है और प्रकरण में विधिक कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है। एटा जनपद की, उसके लिए नंद कुमार की रिपोर्ट।